हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एवन एजुकेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड के सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप। सो लेट्स स्टार्ट दिस। उत्तराखंड में 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में, अशोक मस्क डियर सेंचुरी, ये इस बार UPSC में पूछा गया था, सोनानादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 में, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नंदहोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इनकी लोकेशन देखते हैं, जो कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पिथौरागढ़ में आती है, केदारनाथ आती है रुद्रप्रयाग और चमोली दो डिस्ट्रिक्ट में, और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आती है उत्तरकाशी में, जबकि सोनानादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में। बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंडर आती है, और नंदहोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये नैनीताल में आती है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो क्लासिफाइड की जाती हैं IUCN कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरियाज के तहत, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेफर टू एन एरिया दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड नेचुरल लिविंग कंडीशन टू द वाइल्ड लाइफ। सो ये कैटेगरी 4 में आते हैं और ये नेचुरल लिविंग कंडीशन देते हैं वाइल्ड लाइफ को, और ये नॉट अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पर जनरल पब्लिक आ सकती है, और इसकी बाउंड्री जो है वो स्पेसिफाई नहीं की हुई है। सो इट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक बाउंड्री। और यहाँ पर जो पीपल है कैन कलेक्ट फायरवुड फ्रूट्स, वो फायरवुड और जो फ्रूट्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट करना है तो हमें कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक कैन बी डन हियर, नो ह्यूमन सेटलमेंट बट सम एक्टिविटी अलाउड, और ये नेशनल पार्क के कंपैरिजन में यहाँ पर लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अपग्रेडेड की जा सकती है टू नेशनल पार्क, और ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए उसको संरक्षण देने के लिए भी क्रिएटेड की जा सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर लैंड को कल्टीवेट किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। अब देखते हैं गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नोलियोपर्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो यहाँ पर मैनेज किया जाता है, और ये जो बियर्डेड वल्चर है उनके लिए एक सेफ हेवन है, यहाँ पर काफ़ी पाए जाते हैं। ये है स्नोलियोपर्ड और ये है बियर्डेड वल्चर, आप देख सकते हैं इसको। अब इसकी रेंज देखते हैं, इसकी रेंज है 1400 से 6323 मीटर तक अबव सी लेवल, और इस पार्क के अंदर ही है हरकी दून वैली, जो कि ट्रैकिंग के लिए काफ़ी मशहूर है, और यहाँ पर एक काफ़ी फेमस लेक है र्यून सियरा, यहाँ पर काफ़ी सैलानी आते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, और यही वह जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नोलियोपर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नोलियोपर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की थी। और यहाँ पर तीन टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, सबसे लोवेस्ट एलिवेशन पे मिलते हैं ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, फिर उसके ऊपर ट्रांजिशन करके सब अल्पाइन कोनिफर फॉरेस्ट, और फिर हाईएस्ट एलिवेशन पे मिलते हैं वेस्टर्न हिमालयन अल्पाइन श्रब एंड मीडो, और जो सबसे नीचे लोअर पार्ट में जो सेंचुरी के चिरपाइन दियोदार ओक और डेसिडियस स्पीसीज फॉरेस्ट मिलते हैं। ये है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, ये सबसे लोअर एलिवेशन सबसे नीचे स्तर पे मिलते हैं ये, फिर है वेस्टर्न हिमालयन सब अल्पाइन कोनिफर फॉरेस्ट,
ईयर्स के ऊपर मिलते हैं और सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पे मिलते हैं वेस्टर्न हिमालय श्रब एंड मीडो फॉरेस्ट, ये आप देख सकते हैं, ये सब अल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट है। फिर है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको केदारनाथ मस्क डियर सेंचुरी भी बोलते हैं और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की गई 1972 में, और इसकी कीस्टोन जो स्पीसीज़ है वो है हिमालयन मस्क डियर। इसी को बचाने के लिए इस केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टार्ट किया गया था, और इसका एरिया है 375 स्क्वायर किलोमीटर और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्टर्न हिमालय के अंदर। ये आप देख सकते हैं एल्पाइन मस्क डियर, इसकी काफ़ी पोचिंग होती है क्योंकि इसके जो ग्लैंड हैं यहाँ पर ये काफ़ी डिमांड में होते हैं, जिससे काफ़ी डिजीज़ ठीक किए जा सकते हैं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ फेमस फॉर एल्पाइन मस्क डियर, हिमालयन ताहर, हिमालयन ग्रीफन, हिमालयन ब्लैक बेयर, स्नो लियोपर्ड और अदर फ्लोरा, पार्क एंड फाउना। और इसके हायर एल्टीट्यूड पर ग्लेशियर पाए जाते हैं और ये वी शेप्ड वैली भी बनाते हैं, ये आप देख सकते हैं वी शेप्ड वैली, यहाँ बीच से रिवर फ्लो कर रही है। दिस सेंचुरी इज रिप्यूटेड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट बायो रिजर्व्स, तो इसलिए भी फेमस है। और यहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं मिडल एल्टीट्यूड के अंदर, और हायर एलिवेशन पे मिलते हैं कोनीफरस, सब अल्पाइन एंड एल्पाइन फॉरेस्ट, और उसके ऊपर मिलते हैं हाई एल्टीट्यूड बुग्याल्स और एल्पाइन ग्रासलैंड्स। तो जो मेल स्पीसीज है एंडेंजर्ड मस्क डियर की, वो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसलिए फेमस है क्योंकि जो उसके मस्क पॉड्स हैं, जिनको ग्लैंड्स भी बोलते हैं, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और वो वैल्यूएबल इसलिए हैं कि एक तो वो एंटी एजिंग है और दूसरा वो कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किए जाते हैं, और इसलिए जो मस्क डियर है ये पोस्ट किए जाते हैं फॉर इट्स ग्लैंड्स के लिए। और इनकी इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है वो 2 मिलियन रुपीज़ है, लगभग 20 लाख रुपये पर 25 केजी। तो इसी को देखते हुए IUCN ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन्होंने मिलके ये प्रोग्राम थ्रेटेंड डियर मस्क प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत इसको प्रोटेक्ट किया जा सके मस्क डियर को। ये आप देख सकते हैं मस्क ग्लैंड, ये यहाँ पर मिलते हैं, इसकी लोकेशन देख सकते हैं। फिर है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्वेश्चन इस बार UPSC में पूछा गया था। तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इस सेंचुरी को इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि जो मस्क डियर है उसको संरक्षण देने के लिए, और यहाँ से रिवर काली है वो निकलती है जो कि नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है। और यहाँ पर तीन पासेज हैं, लिपु लेक, लुम्पिया लेक और मनकेसांग लेक। ये लिपु लेक ट्राई जंक्शन पे है चाइना, नेपाल और इंडिया के। यहाँ पर नीति पास है, माना पास, ट्रेल पास, मूलिंगला और मंगशाधुरा। फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का और ये 1936 में एस्टेब्लिश किया गया। ये किस लिए? क्योंकि एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर को संरक्षण देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका नाम रखा गया जो एक हंटर था जिम कॉर्बेट उसके नाम पर। और ये पहला पार्क इंडिया को जो कि प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के तहत कंसिडर किया गया था। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में आती है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके बीच में सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो नेशनल पार्क है वो IUCN की कैटेगरी 2 में आता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4 में आता है। IUCN की कैटेगरी 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं। और जो हेले नेशनल पार्क है वो एशिया का पहला नेशनल पार्क भी है जो अस्तित्व में आया। और 1991 में जो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको हेले नेशनल पार्क के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये वन ऑफ द 13 प्रोटेक्टेड एरियाज है कवर्ड बाय WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर अंडर द तराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम। तराई एरिया वो है नेपाल और इंडिया के बीच में, तो उस एरिया को एक कॉरिडोर बनाने के लिए ताकि वाइल्ड एनिमल है जो वो अच्छे से घूम सके। और ये प्रोग्राम जो तराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम है ये प्रोटेक्ट करता है 3 ऑफ द 5 टेरेस्ट्रियल फ्लैगशिप स्पीसीज, टाइगर को, एशियन एलिफेंट को और ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस को। और जो इसका हैबिटेट है, इसको एक इनवेसिव स्पीसीज है एग्जोटिक वीड की, खरपतवार की, तो उससे काफ़ी खतरा हो गया है। ये लांटाना है, पार्थेनियम और कासिया, ये आप देख सकते हैं इनवेसिव स्पीसीज हैं ये वीड की, लांटाना, पार्थेनियम और कासिया। ये जहाँ भी उगती हैं ये दूसरी जो स्पीसीज हैं नेटिव स्पीसीज उनको नहीं उगने देती, तो ये उसके नेचुरल हैबिटेट के लिए खतरा होती है। फिर है बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1988 में एस्टेब्लिश की गई और ये स्पेशली ब्रॉड लीफ जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टेब्लिश किया गया। ये बिनसार फ्लोरा है, ये आप देख सकते हैं पेड़, और ये ब्रॉड लीफ ओक ट्री। तो बिनसार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्थापित की गई। सिंस 2002 नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन 2004 रिकॉग्नाइज्ड नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वन ऑफ 3 वायबल हैबिटेट की टू द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ द टाइगर। तो टाइगर को संरक्षण देने के लिए 2004 से नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि एक पार्ट है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को, उसको मान्यता दी गई है। और जो नंदोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर मोस्टली साल ट्री मिलते हैं, साल फॉरेस्ट, और यहाँ पर 100 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती हैं साल ट्रीज की, जैसे शीशम, बैम्बू, टीक, चिरपाइन, ये साल फॉरेस्ट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उत्तराखंड। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल दाइव एन एजुकेशन। थैंक यू।